हाँ सुरेश, अभी हम दिखा रहे हैं, दिखाओ, टेंशन मत लीजिए। देखिए यही है सोसाइटी का। तो इसमें सारा सुविधा है। देखिए ये मेन रोड है, दिख रहा है? ठीक। और यहाँ पे ये देखिए, ये पार्किंग है सब, ठीक है। हाँ, और ये 1 2 3 4 5, और 5 उधर, 10 टावर इसमें बन रहा है। अच्छा सुविधा है, यहाँ से हर चीज़ का सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ से एयरपोर्ट और हॉस्पिटल कितनी दूर है? ये सब सारा लिखा हुआ है, देखिए यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी है 11 किलोमीटर, बस स्टैंड 5 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन 12। ठीक, और देखिए मंदिर भी है यहाँ पे। रागिनी, थोड़ा चाय या काफी लेते आना। अच्छा, आयो। ये कह रहे हैं आपसे, ये मेन हाईवे है? हाँ। ये कौन से रोड पे है? ये आमे रोड पे है। अच्छा, ठीक, बढ़िया, अच्छा लगा। ये रही चाय। जी नमस्ते। जी नमस्ते। अरे रागिनी बैठो। हाँ। ये मेरे दोस्त सुरेश जी हैं जी। प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, और ये जमीन दिखा रहे हैं जिसे हम लोग को लेना है। करते रहती हैं कि हमारे एक फ्रेंड है सुरेश, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। एक बार आप भी देख लीजिए। तुम भी देख लो, ये है हाईवे, इसके बगल में ये प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट इसके नजदीक ही, सारा कुछ लिखा हुआ है, सारा चीज लिखा हुआ है, देख लो जी आप। अच्छा हाँ, ये देखो, ये हाईवे है, जमीन है, देख लो आराम से। हाँ देख लीजिए, हम चल के एक बार दिखा भी देंगे आप दोनों लोग को। तो एक और है, देखिए एक ये प्रोजेक्ट है भाभी जी, अपना मकान अपनी दुकान। इसमें क्या है कि अपना मकान के साथ साथ में एक दुकान फ्री है। अच्छा जी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है बिल्ला, ठीक है? अच्छा। इसके साथ में आपको देखिए ये शॉप मिलेगा, एक एक दुकान मिलेगा जी। क्या मतलब इसकी लमसम क्या पड़ जाएंगी? ये देखिए 26 लाख पड़ेगा। अच्छा, और इसमें सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। मैं आपको देखिए बिल्ला का ये है डिजाइन, अच्छा लग रहा है ना? ये सही है। हाँ बढ़िया है, ये आप देख सकती हैं। इसमें गार्डन भी है। हाँ गार्डन भी है। रोड भी है सामने, उसके बाद बगल में दुकान भी है। हाँ, अपना ये सही, ये मुझे मकान अच्छा लगा। और भी दिखाते हैं आपको? नहीं, ये मुझे सही है। हाँ ऐसे दिखा दीजिए आप। हाँ। लेकिन मुझे ये सही है। और ये देखिए, ये लाइन से रहेगा ये। अच्छा, और भी इधर होगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए पूरा वो ड्राइंग है, और ये देखिए, अच्छा सुरेश, और बताओ? सब बढ़िया है। कहाँ था इतने दिन? क्या करें, आजकल प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ऐसा है कि मुझे कुछ काम से जाना है बाहर, ठीक है? तो चलते हैं, फिर कल आओ तो मुलाकात हो। तो ठीक है, तो मैं निकलता हूँ फिर। ठीक ठीक, तो आप शाम को भाभी से सलाह कर लेना। हम लोग सलाह कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं, ठीक है? ठीक ठीक है भाभी जी। हाँ तो रागिनी, कैसा लगा? अच्छा लगा। बढ़िया है। हाँ। तो ऐसा है रागिनी कि मुझे कहीं जाना है, और आते हैं तो रात को बात करते हैं, ठीक है? ठीक है, ओके। ठीक, ओके, बाय बाय।
ठीक है चलिए ना, आइए आइए। भैया नहीं है क्या? नहीं वो घर पे नहीं है, बैठिए बैठिए ना। भैया नहीं है क्या? नहीं वो नहीं है, एक्चुअली क्या है ना कि वो मार्केट गए कुछ काम से, तो बैठिए मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। पानी वो सॉरी कोई बात नहीं, ऐसा है ना कि कोई बात नहीं, दीजिए मैं वो अपने भैया के कप शर्ट लाती हूँ, उसको चेंज कर लीजिए। अरे भाभी नहीं सही है, ऐसा है भाभी मैं चलता हूँ, भैया आएंगे तो बता दीजिएगा उनको। ठीक है। अग्नि आ गए आप? हाँ। ला दिए सामान? हाँ थोड़ा गर्मी है, पानी पिला दो। अच्छा लेकर आ रही हूँ। एक बात मुझे याद आया अभी। हाँ बोलो। वो प्रॉपर्टी डीलर वाले सुरेश नहीं आते उस दिन? हाँ हाँ हाँ। तो आज आए घर पे? आए थे। हाँ वो आए थे घर पे। तो क्या बोले? उन्होंने पूछा कि भैया कहाँ है, तो मैं बोली कि भैया गए हैं मार्केट, तो मैं बोली कि रुकिए थोड़ी देर रुकिए, वो आ जाते तो बात करके आप चले जाइएगा। तो बोले कि नहीं नहीं भाभी से मैं जा रहा हूँ, मुझे और भी काम है। तो बोले ठीक है। और कुछ नहीं कहा? नहीं ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं। प्रॉपर्टी के बारे में नहीं कुछ कहा? नहीं वो आपके बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने बोला कि तो भैया घर पे नहीं है, मार्केट गए हैं। हाँ। आएंगे तो मतलब अपना ठीक है। और सुनिए ना। हाँ। वो शांति आंटी का फोन आया था। हाँ। तो बोल रही थी कि उनके घर ना बच्चा हुआ है, तो मुझे बुलाया है, जाऊं या छोड़ दूं? अरे नहीं नहीं चली जाओ, क्योंकि जाना जरूरी है ना। हाँ, जरूरी हम लोग की हर प्रोग्राम हर फंक्शन में हर वो में आती हैं, तो जाना। नहीं, आस पड़ोस के लोग अगर मिलजुल के नहीं रहेंगे। हाँ। तो कल हमारे घर भी होगा तो नहीं आ पाएंगे। सही बात है। और सुनिए ना, पहले वो काम कराना बहुत जरूरी है, वो है। जमीन वाली आप उनसे एक बार बात कर लीजिए और इसको फाइनली कर लेते हैं। ठीक है ठीक है, हम कर लेंगे। ठीक है मैं देखती हूँ किचन में। तुम तैयार? ठीक है।